आज यहाँ पे भुवनेश्वर में SOA में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिया का बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो राइस कैंपेन करके है, रिसर्च इंटीग्रिटी इन साइंस एंड एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर हम जो कर रहे हैं उसका शुरुआत इस बेहतरीन जगह पे और जगन्नाथ जी का जो जगह है भुवनेश्वर वहाँ पे अराउंड द सेम टाइम कल जो हुआ था यू नो जन्माष्टमी की यू नो उससे अलाइन होते हुए हमने यहाँ पे एक बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये इंडियन एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में ये बहुत ही बड़ा स्टेप है रिसर्च इंटीग्रिटी को प्रमोट करना, बिकॉज इंडियन एजुकेशन आज की हिसाब से इंडिया थर्ड नंबर पे है, चाइना US के बाद इंडिया रिसर्च आउटपुट में थर्ड नंबर पे इंडिया बैठता है। और इस जैसी कंट्री में जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी 15 अगस्त को बोला था रिसर्च और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उनकी प्रोग्राम और स्कीम्स में एजुकेशन और रिसर्च को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और एक बैकबोन माना जाता है, उस रिसर्च को कैसे हम एक क्वालिटी की जरिए से हम दुनिया भर में ले जाएँ, जैसे रिसर्च इंटीग्रिटी का प्रयास ये है कि बेहतरीन इंस्टीट्यूशन जितने भी इंडिया में हैं उन सबसे मिलके, उनके रिसर्चर्स, उनके यहाँ पे जो डॉक्टोरियल प्रोग्राम्स कर रहे हैं उनसे मिलके और एकेडमिशियंस, प्रोफेसर्स, इन सब साथ मिलके कैसे रिसर्च को आगे बढ़ाएं, रिसर्च इंटीग्रिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन रिसर्च पब्लिशिंग, ताकि रिसर्च पेपर्स अच्छे आएँ, रिसर्च बुक्स अच्छे आएँ इंडिया से और उसके साइटेशंस बढ़ें और ग्लोबली इंडिया जो है एज ए लीडर बने रिसर्च में, उसका उद्देश्य है। आई थिंक ये एक सोच है, बट मेरे हिसाब से इंडिया में अगर आप देखा जाए तो कुछ 1200 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग प्रकार का रिसर्च हो रहा है। बिकॉज हमारा देश इतना बड़ा है, क्या हम और कुछ कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बोला वर्ल्ड में हम थर्ड नंबर पे हैं रिसर्च साइंटिफिक आउटपुट पे, क्वालिटी में भी काफ़ी काम कर सकते हैं। पेटेंट्स में इंडिया 9th पोजिशन पे है, वो रैंकिंग भी बहुत अच्छा है। इनोवेशन में ये सब करने के लिए बैकबोन रिसर्च है, जैसे आपने कहा। ऑफकोर्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत टॉप इन रिसर्च कर रहे हैं, कुछ जो है उनके पास अभी करने की शुरुआत उन्होंने करी है, बट मैं मानता हूँ कि आने वाले 10 साल इंडिया के लिए बेहतरीन साल होंगे रिसर्च में, क्योंकि और थर्ड पोजिशन से हो सकता है सेकेंड पे जाए, हो सकता है अगले 2047 तक हम वर्ल्ड के नंबर 1 भी बन सकते हैं अगर हम क्वालिटी रिसर्च पे फोकस करके आउटपुट करें। आई थिंक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बीच में जो कोलैबोरेशन है और बढ़ सकता है और बेहतरीन होने का अपॉर्चुनिटीज़ हैं। NRIF एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके वजह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी एक बड़ा सा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आज की डेट में अगर देखेंगे SOA जो भुवनेश्वर में है, इंडिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ 25,000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। यू नो आपके फैसिलिटीज़ अक्रॉस लॉ, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज, अगर आप देखेंगे किस क्वालिटी प्रकार का रिसर्च हो रहा है और 20 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं चाहता हूँ इंडिया जैसे देश में और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और आगे आना चाहिए, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन अगर देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है। जैसे आपने कहा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, IITs हो गए, IIMs हो गए, या JNU हो गए, या बहुत बड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गए, वहाँ पर तो ऑफकोर्स रिसर्च बहुत ही हाई क्वालिटी पे है, उनकी QS रैंकिंग्स बहुत अच्छे हैं। इन्हीं के साथ कम्पीट करते हुए जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी कम्पीट कर रहे हैं। मैं मानता हूँ इनका कॉम्पिटिशन एक कोलैबोरेटिव तरीके से बढ़ रही है, इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं मानता हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और आगे बढ़ने का मौका भी देना चाहिए, बिकॉज शिक्षा हर एक का हक है, हर एक के पास पहुँचे। आज आम गोटे रिसर्च इंटीग्रिटी इन साइंस एंड एजुकेशन कनक्लेव होमें स्प्रिंग जेनेस सहित जॉइंटली करा हो। आज आम भारत में रिसर्च पब्लिकेशन बहुत बढ़ी, गत 5 वर्ष भितर 54% आम ग्रोथ हो, आमर जो ये ग्रोथ है ताकू आम केमती इंटीग्रिटी रखू, तार एथिक्स रखू, क्वालिटी पब्लिकेशंस करूँ, से आम प्रचेषा हवा दरकार। यहाँ गोटे स्प्रिंजर नेचर जे ये रिसर्च इंटीग्रिटी रखा जाऊ, सो दैट लोक मैंने जो मैंने पब्लीश करेंगे से मैंने क्वालिटी पब्लिकेसन करेंगे तथा अनएथिकल प्राक्टिस को अपणेबे नहीं। यदि अनएथिकल प्राक्टिस आम नबू तो आम निजे रिसर्च भी भल किपरुन, किंबा जो आगामी पीढ़ी अच्छी सेमानों को भी रिसर्चटा ठीक देखे पारे। यही विषय नहीं जो सचेतनता आज अच्छी तार कनक्लेवटा आमठू स्टार्ट होने 10 स्टेट रे और 25 इनिट्यूट पर्यत य सेनसीटाइजेसन स्प्रिंजर नेचर कर। आम आज स्प्रिंजर नेचर सहित MOU साइन कलु, तांकर जो 600 जर्नाल अच्छी ता सहित ओपन आक्सेस पब्लीशिंग जो कंट्राक्ट एग्रीमेंट आम कलु, सो दैट आमर रिसर्चर मैंने से ओपन आक्सेस जर्नाल हमरो पब्लिश करि परिबे, ता द्वारा विजिबिलिटी और साइटेशन बढ़िबो।
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।